लग्जरी कार सेगमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक नई डीलरशिप से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारे चैनल पर आज पहली बार उपस्थित होंगे आपके सामने, और आज हम आपको दिखाएंगे ये सारा स्टॉक। पीछे है भाई साहब आरसी मोटर है इनका डीलरशिप का नाम और इनका ऑफिस है, तो एक बारी चलो इनसे बात करते हैं इनकी कौन कौन सी गाड़ियों में ये डील कर रहे हैं, सारी बातें आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SJ Vlogs। हमारे साथ है सुमित भाई और अर्जुन भाई। सर कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर पहले आप एड्रेस बता दें हमारे व्यूअर्स को। ये हमारा पश्चिम विहार में डीजे की मार्केट है, डीजे की मार्केट है, ठीक है, नंबर 20। और एक चीज़ और बता दें कि आज यहाँ पे आरसी मोटर में सर कौन कौन से ब्रांड्स में हम डील कर रहे हैं? वैसे हम सारे ब्रांड्स में ही डील करते हैं, सारी लग्जरी कार्स में डील करते हैं। ठीक है, जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं चार सेडान है और तीन वो है एसयूवी। मैंने सुना है काफी कि जो आरसी मोटर है सर, जो प्राइसेस होते हैं काफी अट्रैक्टिव होते हैं, काफी रीजनेबल अनबीटेबल होते हैं। आप देखेंगे आप तो सारे प्राइस की सब ये गेम प्राइस की है और हम अच्छी गाड़ी अच्छे प्राइस में देते हैं, तो अच्छी गाड़ियों को देखते हैं, अच्छे प्राइसेस को जानते हैं। सर चलें फिर अपने ऑडियंस को पूरा स्टॉक दिखाएं। आ जाओ। अर्जुन भाई हमें बता रहे हैं गाड़ियों के बारे में। सबसे पहले जो गाड़ी इन्होंने सजेस्ट की है कि आप बताएं A4 के बारे में। हाँ जी, ऑडी सर बताएं फिर। दिस इज ऑडी A4 2012 मॉडल। ठीक है, एंड दिसंबर की है गाड़ी। ठीक है, क्या चली होगी कुछ आइडिया? ये गाड़ी चली है अराउंड 69,000 किलोमीटर्स, 69 विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री। ठीक है, एंड 2012 के एंड में जो है इसका फेसलिफ्ट हो गया था गाड़ी का। अच्छा, 2012 में ओल्ड शेप भी आ रही थी, एंड में न्यू शेप आई थी। हाँ, तो ये टाइप 2 है, इसकी शेप चेंज है। ठीक है, इसकी अपना हेडलाइट्स वगैरह, DRL, बैक लाइट्स, इंटीरियर, स्टीयरिंग वगैरह, अलॉयज सब डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मतलब नए टाइप की है। हाँ जी, ठीक है। और क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर? वैसे इसमें सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है, बाकी स्पोर्ट्स मोड वगैरह। ठीक है, और सर कुछ आइडिया देंगे कि उस टाइम में कितने पैसों में आ रही होगी? सर उस टाइम 2012 में अराउंड ये आ रही थी 40-41 की। और आप अभी कितने की दे रहे? अभी हम इसे सर दे रहे हैं 9,75,000। 9,75,000। हाँ जी, क्या मतलब? वैसे तो प्राइसेस जैसा मैंने बताया था अनबीटेबल है, पर क्या ये भी नेगोशिएबल है? सर बिल्कुल बेस्ट प्राइस है, जो कि जो बंदा ऑडी A4 मार्केट में ढूंढ रहा होगा उसको पता होगा कि ये वाली शेप इस रेट में नहीं मिलेगी, बिलो 10 नहीं मिलेगी ये गाड़ी। मैं जानता हूँ सर, फिर भी क्या SJ Vlogs के रिगार्ड में थोड़ी बहुत छूट? बहुत थोड़ी बहुत सर, हम ऑलरेडी अपने गाड़ियों के सारे प्राइसेस बिल्कुल बेस्ट बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते कि पहले ही बहुत ज़्यादा बता दो फिर बाद में नेगोशिएट कर लो टेबल, हम पहले बिल्कुल बेस्ट है। मैं मतलब हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि ओनरशिप के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होता, तो ये ऑडी ऑडी से सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हम सर जानते हैं BMW सर कौन सी सीरीज है? सर ये BMW 2011 मॉडल 320D। ठीक है, कॉर्पोरेट डीजल है, कॉर्पोरेट एडिशन है, कॉर्पोरेट में विदाउट सनरूफ आती है कार। ठीक है। हाँ जी, और मैं देख रहा हूँ रैप की भी है। हाँ जी, रैपिंग हो रखी है, मैट ब्लू पेंट हो रखा है गाड़ी के ऊपर, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू ही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अच्छा पेंट है। हाँ जी, ठीक है, मॉडिफाई करवा रखी है कस्टमर ने अपने एंड से। 2011 मॉडल है, UP16 रजिस्टर्ड है गाड़ी, एंड ये 69,000 ये चलिए, ये भी अराउंड 67,000 चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड। मतलब सारी गाड़ियों का सर्विस रिकॉर्ड अपने पास? सारी गाड़ियों का सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा, किसी गाड़ी का भी मीटर टेम्पर नहीं होगा, जिसका होगा कई गाड़ी आती है पीछे से ही कस्टमर अपने एंड से मीटर टेम्पर करा के देते हैं तो बता देंगे। और नॉन एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल। ठीक है सर, डील बताएं फिर। सर ये गाड़ी हम दे देंगे 5,85,000 रुपीज़ की। 5,85,000। हाँ जी, बहुत सही प्राइसेस हैं। सर बताएंगे कि ये जो BMW है इसकी ओनरशिप के बारे में? सर ये सेकंड ओनर है। अब सर एक बार मर्सिडीज़ के बारे में बता दें फिर। दिस इज मर्सिडीज़ E250। ठीक है, 2010 मॉडल एंड पेट्रोल वेरियंट। ठीक है, तो ये जितने भी दिल्ली के हैं इंटरेस्टेड बायर्स उनके लिए गाड़ी 2010 मॉडल है, एंड अभी 5 साल तक गाड़ी चल सकती है क्योंकि पेट्रोल मॉडल है। पेट्रोल मॉडल है एंड E250 है, V6 इंजन विद सनरूफ एंड ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, इसके जो गियर शिफ्टिंग है वो भी इन हाथों में, एंड इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा है गाड़ी। हाँ, मैं इंटीरियर देख के बता रहा हूँ, काफ़ी ब्लैक में है इंटीरियर, काफ़ी मेंटेन्ड है। हाँ जी, हाँ जी।
ऑडी भी ओरिजिनल पेंट है, ये गाड़ी भी ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट है, मतलब बम्पर टू बम्पर, बम्पर टू बम्पर, बाकी बम्पर्स वगैरह तो माइनर वगैरह वो तो कहने की बात है, बम्पर्स वगैरह माइनर वगैरह तो पेंट रिपेंट मिलेगा ही आपको, लेकिन मेटल पार्ट वगैरह में कोई ज्यादा डिपेंड नहीं है। और क्या प्राइस लगाया इसका? सर ये कार हम दे रहे हैं 7,95,000 रुपीस की, 7,95,000। हाँ जी फ्री सर, मर्सिडीज को ये ओनरशिप कौन सी है? सर इसका ओनरशिप थर्ड है, थर्ड है, थर्ड ओनरशिप है, लेकिन गाड़ी थर्ड ओनर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो गाइस जैसा आप देख रहे हो प्राइसेस यहाँ पे अनबीटेबल मिल रही है आपको। इनका भी ये कहना है कि ये जो पूरे दिल्ली की मार्केट भी अगर आप छान लेते हो तो आपको ये प्राइस कहीं नहीं मिलेगी। देखो इतने प्राइसेस इतने गर्म है कि हम लोगों के पसीने छूट गए। तो जो भी अगर आपको डील पसंद आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा नंबर दिया हुआ है, भाई का एड्रेस दिया हुआ है, आप आके इनसे पहले कॉल कर सकते हो, आके मिल सकते हो और अपनी डील मैच्योर कर सकते हो। अब हम जानेंगे सर, वॉल्वो है ये? हाँ जी ये है भाई, मतलब की गाड़ी, पहाड़ों की गाड़ी। हाँ जी, दिस इज़ वॉल्वो XC90 2010 मॉडल, HR60 चंडीगढ़ अथॉरिटी रजिस्टर्ड है कार, अभी ये भी 5 साल तक वैलिड है, दिल्ली में नहीं चल सकती लेकिन दिल्ली के बाहर गाड़ी चल सकती है। ठीक है, 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है एंड ये 7 सीटर है, SUV है, इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसका, ऐसा है कि बैक साइड पे इसका पूरा बेड बन जाता है, इसकी सीट्स वगैरह पूरी रिक्लाइन हो जाती है एंड पीछे बेड बन जाता है। नंबर भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, 0090। ठीक है, हाँ जी, काइंड ऑफ फैंसी नंबर, फैंसी नंबर, 7 सीटर में वॉल्वो। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, आपने बोला जैसे चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है, तो जो भी गाड़ियाँ हम दिखाते हैं ऐसे तो नोन है, बट फिर भी पूछना चाहता हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया आप किसी को भी NOC के साथ दे सकते हो? बिल्कुल सर, ऑल ओवर पैन इंडिया NOC प्रोवाइड करा देते हैं हम, और पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन भी, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जितने भी बाहर के इंटरेस्टेड बायर्स हैं डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि ये गाड़ी आपको पसंद आ रही है और आपने अभी अभी वीडियो देखी, आप कॉन्टैक्ट करें, अगर गाड़ी अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, हमें कॉन्टैक्ट करें एंड गाड़ी पहले अगर आप कहें तो वीडियो कॉल पर पहले आपको गाड़ी दिखाएंगे, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर, फिर इसके प्राइस बताएं सर। सर ये गाड़ी हम दे रहे हैं 8,95,000 रुपीज़ की, 8,95,000। हाँ जी, और नई कितने की आती होगी, कोई आइडिया है सर? सर नई गाड़ी तो उस टाइम पे थी अराउंड 75 अबव, 75, और इस टाइम पे 1 CR अबव आ रही है ये गाड़ी। क्या बात, 2010 की बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। इस टाइम पे वॉल्वो XC90 1 CR से अबव आ रही है एंड ये जो शेप है इसकी, ये 2015 में शेप चेंज हुई थी इसकी, 2015 तक यही शेप आ रही थी, यही हेडलाइट से ही बैकलाइट एग्जैक्ट यही शेप आ रही थी, 2015 के बाद ही शेप चेंज। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि क्या हम लोन भी प्रोवाइड करते हैं? सर लोन प्रोवाइड हो जाता है, यूजुअली लोन प्रोवाइड होता है सर डीजल गाड़ियों में 2012 से ऊपर एंड पेट्रोल गाड़ियों में 10 से ऊपर हो जाता है लोन। तो क्या दिल्ली या फिर ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया हो जाता है, पैन इंडिया हो जाता है, बट वही डिपेंड करता है सिविल वगैरह कैसी है एंड थोड़ा सा कोविड के चक्कर में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है पैन इंडिया फाइनेंस में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली करवा देते हैं। ठीक है सर, तो इसके बारे में बता दे सर, अब हमारी बारी है। XUV है सर, 500 है। हाँ जी, ये महिंद्रा की XUV 500 है, W8 टॉप मॉडल है, 2011 मॉडल एंड सेकंड ओनर, गाड़ी चली हुई है अराउंड 1 लाख के अराउंड विद कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री वगैरह, W8 टॉप मॉडल है विद अलॉयज वगैरह, टच स्क्रीन एंड इंश्योरेंस पूरी है गाड़ी की, गाड़ी वेल मेंटेन्ड है एंड इसका जो हमने बेस्ट प्राइस रखा है वो है 3,95,000। हाँ जी, 3,95,000 में आपको अपने टाइम की टॉप मॉडल W8 मॉडल मिल रही है। वही बात है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम, दो गाड़ियां और रह रही है आज के इस वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं यार एक और बीस्ट के बारे में, फोर्ड की एंडेवर। सर बताएं, इसके सामने मैं भी छोटा लगता हूँ यार, बताएं सर इसके बारे में। दिस इज फोर्ड एंडेवर 2.2 ट्रेंड ऑटोमेटिक एंड ये 2016 मॉडल है, न्यू शेप है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कार एंड फर्स्ट ओनर है गाड़ी। अच्छा, फर्स्ट ओनर। हाँ जी, एंड ये भी UP रजिस्टर्ड है कार, तो इसकी वैलिडिटी 15 इयर्स तक है। वैसे पेट्रोल है या डीजल है? सर डीजल है। सर क्या माइलेज निकलता हुआ इन सबको? सर इन SUVs का यूजली इतनी आता है 10-11। हाँ जी, लेकिन 7 सीटर है। 7 सीटर, हाँ जी, 7 लोगों को ले जा रहे, बहुत बड़ी बात। और सर क्या प्राइस है, कितनी चली है वैसे? सर ये गाड़ी चली है 1,10,000 के अराउंड गाड़ी चली है। ठीक है, एंड UP नंबर है ये, वैलिड फॉर 15 इयर्स, फर्स्ट ओनर है, वाइट कलर है, टायर्स वगैरह इसके 40-50% है एंड इंटीरियर वगैरह काफ़ी नीट एंड टाइडी है, दोनों कीज अवेलेबल हैं गाड़ी की। ठीक है, एंड फुली इंश्योर्ड है कार। और क्या आप पैसे मांग रहे हो? सर इसका हमने बेस्ट प्राइस रखा है 17,75,000 रुपीज़, 17,75,000। हाँ जी यार, देखो ये गाड़ी जैसे हम बता रहे हैं, कुछ दिल्ली नंबर है, कुछ UP नंबर है,
कहीं का भी नंबर हो, जैसे अगर दिल्ली का है तो वो, और डीजल है तो वो 10 साल वैलिड रहेगा दिल्ली में, और लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हो तो वो आपको 15 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। भाई साहब आपको NOC करवा के देंगे, NOC प्लस सर पैन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर सर्विस। अगर आप फॉर एग्जांपल कन्याकुमारी से देख रहे हो और आपको गाड़ी पसंद आ रही है तो आपके घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी, और इनकेस आपका सिबिल अच्छा है और आप लोन पे लेना चाहते हो तो उसकी भी कोशिश पूरी है कि वो हो जाए। सर कुछ आइडिया देंगे, जैसे मान लीजिए कितने परसेंट लोन आप करा देते हैं? सर अराउंड 70% तक तो फाइनेंस हो जाता है, 70%। बट वही है, गाड़ी जैसे मैंने आपको BMW बताई है 11 मॉडल है एंड कई गाड़ी 10 मॉडल है डीजल में, तो उन सबका लोन नहीं हो पाएगा। 2000 डीजल गाड़ी जैसे तो 2000 अबव होगी तो लोन हो पाएगा। पेट्रोल गाड़ी में अगर 3-4 साल, मतलब जिस गाड़ी की लाइफ बच रही होगी 4-5 साल उन्हीं गाड़ियों का। हाँ जी ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज की अपनी आखिरी कार, वरना है सर। हाँ जी लेना तो वरना, वरना कुछ मत लेना। Hyundai की वरना। हाँ जी दिस इज Hyundai वरना, और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ज़्यादा डिमांड में रहता है। हाँ क्या मतलब कुछ पेंट वेंट कराया या फिर पूरा ओरिजिनल? नहीं पूरा ओरिजिनल है गाड़ी, सिर्फ बम्पर वगैरह में टचिंग हुई है। हाँ एंड ये 1.6 EX मॉडल है विदाउट सनरूफ वेरिएंट है, ये भी UP रजिस्टर्ड है एंड ऑल ओरिजिनल है कार, वेल मेंटेन्ड है, अंदर से जस्ट लाइक न्यू है गाड़ी। क्या क्या मिल जाता है वैसे इसमें सर? सीट कवर तो बड़े प्यारे लगा सर, सीट कवर्स मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। और कितने नई कितने की आती है ये? ये नई आ रही है, नई आ रही है अराउंड 1,270,000 के अराउंड। और आप कितने की? एंड प्लस इसका सर फेस लिफ्ट हो गया है, इसकी शेप चेंज हो गई गाड़ी की, अब जो शेप आ रही है इतना डिमांड में नहीं है, मतलब इतना लोग पसंद नहीं। ये जो शेप आई थी 2018 मॉडल है, 2018 की ये वाली जो शेप है ये काफ़ी, मतलब काफ़ी पॉपुलर शेप रही है, ये काफ़ी डिमांड में रहती है। एंड ये 1.6 वेरियंट है, EX है, सो बेस नहीं है, सेकंड वो है बेस मॉडल। और क्या पैसे मांग रहे हैं सर इसके? सर ये हम दे देंगे 7,85,000 रुपीज़ की, 7,85,000। हाँ जी 2018 मॉडल, 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर, ब्लैक कलर, फुल इंश्योर्ड, दोनों कीज अवेलेबल हैं एंड ये भी UP रजिस्टर्ड है तो इसकी वैलिडिटी भी 15 साल तक की है। तो ये था यार आज का अपना स्टॉक RC मोटर के साथ, हम फिर से आएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं जितनी भी गाड़ियां हैं डीजल वाली गाड़ियों पे 2012 के बाद और पेट्रोल वाली गाड़ियों को 2010 के बाद उन पे लोन वगैरह सब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी बंदे को अगर लोन पे चाहिए तो जैसे ये ऑडी है जिसकी प्राइस सर आपने क्या बताई थी, 9,75,000, तो इस पे करीब 70-80% डिपेंड करता है आपके सिबिल पे ये लोन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। सारा पेपर वर्क भाई करवा के देंगे, आपका जो NOC मिलता है सारे स्टेट की वो आपको कटवा के देंगे। बट सर हमारे में ये रहता है कि हमारे प्राइसेस ऐसे होते हैं कि गाड़ी रुकती नहीं है, लोन वगैरह का प्रोसेस थोड़े अराउंड 4-5 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, तो गाड़ी हमारी गाड़ी तब तक बिक जाती है। आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ पूछना है मन में सवाल है कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये जो स्टॉक दिखा रहे हैं या फिर और भी कोई नई स्टॉक देखनी है तो भाई साहब आपका इंस्टाग्राम हैंडल है राइट चॉइस मोटर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इन पर जाके फॉलो करके इनको देख सकते हैं, इनके स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करना, घंटे आइकन को दबाना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, और यार ये सब फ्री है, पैसे नहीं ले रहा मैं, करके जाया करो। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय।